एक मैच हो रहा था, वो था बप्पे और मैसी का। पहले फिर मैसी गोल करता है, फिर बप्पे करता है, फिर मैसी, फिर बप्पे, ऐसे चलता रहता है। फिर आखिरी पे आके मैसी ये करता है, यहाँ हाथ रखता है, कहता है तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो भाई इन दिनों में ना मैसी को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था ये कह के ये अपनी टीम को जिता नहीं सकता, लेकिन इस मैच में उसने सब के मुंह पे जूती मारी है। नॉर्मल नहीं, पानी में डुबो डुबो के ऐसे मुंह पे ऐसे ऐसे मारी है जूती, और उन्हें आराम भी आ गया होगा। हर बंदे का ख्वाब होता है कि मैं मेरी जिंदगी में ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, हर एक का ये ख्वाब होता है। लेकिन वो उस बंदे ने अपने सारे ख्वाब पूरे कर लिए और आराम से भी खुश होकर वो रिटायर हो रहा है। तो भाई मैं वैसे स्पोर्ट फ्रांस को कह रहा था क्योंकि उसमें बप्पे है जो मेरा फेवरेट प्लेयर है, तो वो सब मैं स्पोर्ट कर रहा था। लेकिन आज मुझे लगता है जो इस जीत को डिजर्व करता है वो अर्जेंटीना है। तो भाई पहले 70 मिनट फ्रांस ने इंतहाई बहुत गंदा खेला है, और फिर उस 70 मिनट के बाद मैंने 10-15 मिनट ऐसे ही बंद कर दिया टीवी मैच, और फिर मैंने ऑन किया और मैंने देखा कि फ्रांस ने 2 गोल कर दिए, लेकिन अर्जेंटीना ने पहली शुरू में 2 गोल कर दिए, तो अर्जेंटीना ही डिजर्व करती थी। तो आपको पता होगा कि मैच बहुत ज़्यादा लंबा चला है और दोनों टीमों के 3-3 गोल हो गए थे, और आखिरी में उन्होंने वो 5 दफ़ा बॉल को हिट करने का और गोल करने का, जिसने ज़्यादा किए वो जीत गया, तो उसमें अर्जेंटीना जीती है। लेकिन क्रेडिट उनको नहीं जाता जो बॉल को हिट करते हैं, उन्हें भी जाता है जो बॉल को रोकते हैं गोल होने से। गोलकीपर को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, जैसे अर्जेंटीना वाले गोलकीपर ने कितने गोल रोके हैं। तो जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं ना, वो पता है किसको सपोर्ट कर रहे थे, मोरक्को को, क्योंकि वो सेमीफाइनल में उसने मोरक्को ने बहुत अच्छा खेला फ्रांस के साथ, फिर आखिर में उसका मैच हुआ और फिर किसी दोनों में से किसी ने फाइनल में जाना था अर्जेंटीना के साथ, लेकिन आखिरी में वो ने बहुत अच्छा खेला था, जीतने लगे थे, फिर आखिरी में आके पता नहीं कैसे वो हार गए, और सारे अभी फिर अर्जेंटीना को सपोर्ट करने लगे मुस्लिम सारे, और फिर आखिरी में अर्जेंटीना जीत गई, लेकिन मैं फ्रांस को कर रहा था। सारे मुस्लिम भाइयों को मुबारक हो कि अर्जेंटीना जीत चुकी है। तो भाई मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है क्योंकि ये फाइनल भी था, और फिर मुझे याद आया क्रिकेट के बाद ये फुटबॉल देखने लग जाते हैं, तो मैंने आखिरी फाइनल में ये वीडियो बनाई। और जहाँ बात करें क्रिकेट की, अभी तक तो इंग्लैंड हमारी सीरीज जीत चुकी है, 2 मैच जीती है, अल्लाह करे हम तीसरा जीत जाए, एक तो जीते नहीं तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, अगर एक जीत गए तो थोड़ी बेइज्जती होगी। और जितने अभी हमारी टीम में नया भी प्लेयर आया अबरार, वो भी बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छी बॉलिंग है, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं मुझे इस फुटबॉल की चीज़ें बनानी चाहिए, मैं साथ क्रिकेट की भी चढ़ा दूँगा ये दूसरी, और अल्लाह। Tiene perfectas, graciosas raíces. ¿Sabes cómo es?